एक मुझको तू कर नहीं जाता। क्या रियाज से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर रियाज के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्या एक सिंगर को फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? क्या जिम उसके लिए ज़रूरी है? और अगर वो करता है तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस उसे करनी चाहिए और कितनी वो बेनिफिशियल हैं और किन किन का परहेज रखना चाहिए, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्यों एक्सरसाइज एक सिंगर के लिए भी ज़रूरी होती है। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर, एक बेहतरीन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप घर बैठे रियाज कर सकते हैं और बेहतरीन संगीत सीख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये तर क्यों टूटे हुए ख्वाबों के लिए आँख है तर क्यों? सोचो तो सही, शाम है अंजाम सहर क्यों टूटे हुए ख्वाबों के लिए आँख है तर क्यों? फरत शहजाद साहब की लिखी हुई एक गज़ल, उन्हीं का एक कलाम जो कि गाया और कंपोज किया गया है हमारे मेहदी हसन साहब द्वारा, तो बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, सुनिएगा इसे ज़रूर। आइए उस टॉपिक पर वापस आते हैं जिसका जिक्र मैंने किया था कि एक एक्सरसाइज एक सिंगर के लिए एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है और क्या रियाज से पहले हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जाहिर बात है कि एक्सरसाइज में शरीर का काम है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। सांस भी उसमें उपयोग में आती है, भले ही आप दंड बैठक करें जो हमारी इंडियन एक्सरसाइजेज हैं उनका उपयोग करें या फिर आप जो वेस्टर्न एक्सरसाइजेज हैं उनका उपयोग करें, सांस दोनों में ही लगती हैं, है ना। और गायकी जो है पूरी की पूरी सांस पर ही निर्भर करती है हमारी, और सुर जो है वो सांस पर ही निर्भर करता है। जैसा कि हमारे पूर्वज भी कहते हैं, जैसा कि हमारे सभी गुणीजन कहते हैं कि सांस को साधो तो स्वर अपने आप सध जाता है। अगर आप सवेरे उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का रियाज कर रहे हैं, सवेरे का रियाज कर रहे हैं, भैरव थाट में रियाज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज जो है वो रियाज से पहले आपको नहीं करनी चाहिए। कितना भी पहले आप करेंगे और आप कितना भी गैप दे दें बीच में, अगर आप ये कहें कि मैं सवेरे रियाज करने से पहले एक्सरसाइज करके आधे पौन घंटे का गैप दूं और फिर रियाज करूं, तो मेरे ख्याल से तो भी कोई सेंस नहीं बनेगा। क्योंकि आप 4 बजे भी अगर उठते हैं तो उठने के बाद आप कम से कम आधा पौन घंटा तो आपको तैयार होने में लगेगा ही, समझ लीजिए फ्रेशन अप हुए हैं, थोड़ा सा आपने हवा जो है ली है ताकि थोड़ा तरोताज़ा हो जाएं आप और अंदर की जो आलस है वो दूर हो गया। आधा घंटा तो चलिए मान लीजिए इसमें लगना ही लगना है। उसके बाद आप अगर रियाज शुरू करते हैं या फिर एक्सरसाइज भी आप अगर शुरू करते हैं, आधे घंटे आप एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद आधा घंटा गैप दीजिए, तो अपने आप जो ब्रह्म मुहूर्त है वो तो आपका निकल ही गया, है ना। उसके बाद आप सूर्योदय के बाद क्या रियाज करेंगे, तो कोई जो सेंस नहीं बनेगा। इसीलिए आपको रियाज पहले करना है। और वो जो आधे घंटे में मैंने पहले भी बताया है कि रियाज में आलस जो होता है या सवेरे सवेरे जो नींद आती है उसको दूर करने के लिए थोड़ा व्यायाम कर लेना चाहिए। एक आप फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ व्यायाम की बात, है ना। व्यायाम में आपको फिजिकली उतना यूज़ नहीं करनी है बॉडी, ना तो आपको दंड बैठक लगानी है, ना तो दौड़ लगानी है, ना हाथ पैरों का वार्म अप करना है, वो सिर्फ और सिर्फ सांस का काम है व्यायाम का। उसमें आपको कुछ योग करने हैं, आपको अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है आपको, आप सांस की एक्सरसाइजेज जितनी मैंने बताई थी उनका आप यूज़ कर सकते हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप रियाज कीजिए तो बेहतर है। और रियाज के थोड़े टाइम बाद, आधे पौन घंटे बाद, फिर आप अपना जो दंड बैठक है या फिर जो दौड़ है या फिर आप जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं, जो भी फलां एक्सरसाइजेस वो आप कर सकते हैं, तो रियाज के बाद। अब आते हैं उस टॉपिक पर कि क्या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि एक एग्जांपल मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था, पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी जो कि मेरे दादा गुरु हैं, उनसे हमने सीखा है संगीत, हम सीख रहे हैं उनसे संगीत। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था हमें, पंडित भीमसेन जोशी साहब का, उन्होंने एग्जांपल दिया कि
क्योंकि संगीत जो है, जो गायकी जो है, वो सांस का काम है, और सांस जो है वो फेफड़ों का काम है, और फेफड़े जो हैं वो हमारी छाती के थोड़ा सा नीचे होते हैं। तो उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि आप उनकी अगर शारीरिक जो है स्थिति को देखें तो उनकी छाती जो है वो कितनी चौड़ी है, वो कितनी बड़ी है, तो उससे उन्हें सांस जो है भरने में बड़ी आसानी होती है ना, और वो ज़्यादा सांस ले सकते हैं, ज़्यादा सांस स्टोर कर सकते हैं, और ज़्यादा दम लगा के वो गा सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी उतनी ही मजबूत है जितनी कि उनकी गायकी की एक्सरसाइजेज हैं। तो ये चीज़ें जानने के लिए हमें हमारे अगर हम अच्छे अच्छे क्लासिकल सिंगर्स को देखें तो कहीं ना कहीं हम ये देख पाएंगे कि वो फिजिकल एक्सरसाइजेज भी करते थे, अपना खान पान का भी उतना ही ध्यान रखते थे जितना वो अपने गायन का रियाज का करते थे। तो एक्सरसाइज तो जाहिर बात है बहुत ज़रूरी है, व्यायाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे शरीर में बल आएगा। अगर शरीर में दम और बल है ही नहीं तो गा कैसे पाओगे आप, और कैपेसिटी जो है, जिसको कहते हैं स्टैमिना जो है, वो कैसे बन पाएगा? सिर्फ गायकी का रियाज करने से आपका स्टैमिना नहीं बन जाता है। अगर सांस में वो ताकत चाहिए तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, शरीर में दम लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली अगर वो एनर्जी अंदर है, पावर अंदर है, तो फोर्स अपने आप बनता है ना। अगर शरीर में वो कमी है, वो उस चीज़ की अगर आप में क्या बोलते हैं, अगर कमतर हैं उसमें, तो कैसे ही वो दम लगा पाएंगे, वो पंच नहीं आ पाएगा वॉइस में, क्योंकि रियाज भी करते हैं उसमें भी पावर लगती है, एनर्जी लगती है ना। अगर आप 2 घंटा लगातार गाते हो तो 2 घंटा गाने के लिए अंदर दम तो चाहिए ना, वो अगर एनर्जी ही नहीं है, वो स्टेमिना ही नहीं है, तो कैसे मुमकिन है गाना। तो बिल्कुल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ, रियाज के बाद कीजिए, रियाज के पहले मत कीजिए, क्योंकि सांस उखड़ जाएगी, थक जाएगी, तो गा नहीं पाओगे, है ना। तो व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन रियाज के बाद करो, रियाज से पहले मत करो। और कुछ कुछ जिम की एक्सरसाइजेज भी होती हैं मेरे ख्याल से जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि कुछ कुछ चीज़ों का परहेज़ भी उसमें रखना पड़ता है। तो वो भी आप पता कीजिए कि उनका साइंटिफिक असर बॉडी पर कैसे होता है, बायोलॉजिकली असर कैसे होता है। जब आप अपने जिम इंस्ट्रक्टर से बात कर रहे हैं तो आप उसे बताइए कि आप एक संगीतकार हैं, आप गायन करते हैं, तो जाहिर बात है वो बता पाएगा आपको कि इस एक्सरसाइज का असर कौन से बॉडी पार्ट पर होता है। और अगर वो बॉडी पार्ट आपकी गायकी में इस्तेमाल में आ रहा है तो जाहिर बात है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह देखते रहें, कुछ ना कुछ मैं नया नया टॉपिक लाता रहूँगा और कुछ ना कुछ आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करता रहूंगा। मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब करें, संगीत प्रभा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आप क्या क्या नया टॉपिक एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, हम क्या क्या आपको सिखा सकते हैं, क्या क्या आपको बता सकते हैं। संगीत में कुछ ना कुछ नया लाने का, विकास करने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है। तो देखते रहें, सीखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड से। शुक्रिया।